मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ पंजाब चुनाव जो है वो काफी ज्यादा करीब आते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी लगातार पंजाब में छापेमारी कर रही है और अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सख्त कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने के लिए मिल रही है और इसमें पंजाब के जो मुख्यमंत्री है यूं कह सकते हैं कि पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। आलम कुछ ऐसा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है उनके रिश्तेदारों के पास से नोटों की बारिश होती हुई नजर आ रही है और अब तक जिस तरीके से ईडी ने रेड मारी है उस हिसाब से अब तक चन्नी के तकरीबन जो इस तरीके से 10 अलग अलग जगहों पर रेड हुई है 10 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री के भतीजे के घर से ही 6 करोड़ से ज्यादा पैसे बरामद किए गए हैं। और ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले में ये गिनतियां और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, आने वाले वक्त में ये आंकड़े और भी ज्यादा जो है वो पैसों का ढेर देखने के लिए मिलेगा और लगातार जो है पैसे की गड्डियों का जो भार है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस भार के तले पंजाब की जो कांग्रेस है सत्तारूढ़ पार्टी है वो दबती हुई नजर आ रही है और उनकी चीखें कुछ इस कदर निकल रही है कि अब इसे लेकर बयानबाजी का बाजार काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पंजाब में ईडी का रेड लगातार देखने के लिए मिल रही है इससे भी सियासी पारा ठीक विधानसभा चुनाव से पहले चढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उनके भतीजे और उनके कुछ सहयोगी के पास से लगभग दर्जन घरों में और कार्यालय में मंगलवार को ईडी ने छापेमारी मारी है और यहां पर ये जो 2018 का ये मामला था जिसमें अवैध रेत खनन मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला था और इसके तहत ये एक नई जांच चल रही है और उसी मामले के तहत इस जो है रेड देखने को मिल रही है। पंजाब के अलग अलग खासकर चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार उनके सहयोगी के अलग अलग घर दफ्तरों कार्यालय में इस तरीके से जो है छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी ने मोहाली में रहते हैं और मोहाली समेत लुधियाना और पठानकोट के 10 जगहों पर 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। छापेमारी 30 नवंबर 2021 को दर्ज की गई परिवर्तन मामला जो है ECIER से संबंधित की गई थी। 2018 में मोहाली में पंजाब पुलिस की ओर से जो ये मामला है ये दायर किया गया था। आपको बता दें कि 2018 का ये मामला है जिसे लेकर इस वक्त ईडी काफी ज्यादा सजग नजर आ रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। इसमें मुख्य आरोपी लुधियाना के व्यवसायी कुदरतदीप सिंह थे और भूपिंदर सिंह जो है जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है वो इस कंपनी के निर्देशक में से एक है, जिनके जरिए कुदरतदीप ने अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसे जो है काम को अंजाम दिया है, जिसके वजह से अब इनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। भूपिंदर के अलावा उनके सहयोगी संदीप कुमार भी इस पूरे मामले में शामिल है जो ईडी स्कैनर के तहत एक कंपनी के निर्देशक है और उनकी पत्तियों पर भी छापेमारी की गई है और उसका बेवड़ा अब लिया जा रहा है। लुधियाना में शहीद भगत सिंह के घर और मोहाली में 4 संपत्ति सहित 3 परिसरों पर छापा मारा गया है। तो आपको बता दें कि सिर्फ एक पर नहीं कई लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, रेत खनन अवैध रेत खनन से जुड़ा हुआ मामला है और इसी का संज्ञान लेते हुए अब ईडी लगातार जो है सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि चन्नी के भतीजे और उनके सहयोगी के परिसरों की तलाशी लेने पर संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह के सिर्फ आवासीय घर जो उनका घर है वहां से 4 करोड़ रुपया और उनके परिसर से जो आवासीय परिसर है वहां से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, यानी गड्डी पर गड्डी। और कहीं से आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, गड्डी का भार और पंजाब कांग्रेस इसके तले दबती नजर आ रही है। आपको बता दें इसे लेकर लगातार अब बयानबाजी हो रही है, इसे लेकर अब जो है जिस तरीके से नोटों की बारिश देखने के लिए मिल रही है इससे करके अब पंजाब कांग्रेस अपने बचाव में आ चुकी है। चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के यहाँ से कैश मिल रहा है जिसे लेकर चरणजीत सिंह चन्नी अब बचाव में आ चुके हैं और वो इसे जो है इसे लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि ईडी ने कहा है कि फिरोजपुर विजिट में जो हुआ था, फिरोजपुर के वक्त जहां पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका था, ये जो है उसी का बदला है। और उन्होंने कहा है कि इसी वजह से मेरे भतीजे को 24 घंटे से इंट्रोगेट किया जा रहा है, यानी 24 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके जो एजेंसी है यानी जो ईडी है उनके पास किसी भी तरीके का कोई प्रूफ मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन फिरोजपुर का इसे बदला माना जा रहा है। साफ तौर पर जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले को पहले नौटंकी बताया था, फिर देश के प्रधानमंत्री से इसे मामले को लेकर माफी भी मांगी थी जब ये मामला रफा दफा हो चुका था, मामला कुछ था ही नहीं, तो अब ये कह रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है। यानी यहां पर कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत किया था जो उन्हें अब रिटर्न में मिल रहा है और इसे ही ये बदले का नाम दे रहे हैं। आपको चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि इस मामले में जो है उनके पास किसी तरीके से यानी ईडी के पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है और यही कारण है कि 24 घंटे से इंट्रोगेट पूछताछ की जा रही है।
तो आप देख सकते हैं कि लगातार परेशानी जो है पंजाब कांग्रेस के लिए बढ़ती नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि ये मामला किस तरीके से जुड़ा है और ये पूरा रेप खनन का जो मामला है ये कब संज्ञान में आया था। ये केस तब दर्ज हुआ था जब तत्कालीन उस वक्त के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो राहो फिलौर के बीच हेलीकॉप्टर से जाते समय अवैध खनन होता उन्होंने देखा था और उस समय कुदरतदीप सिंह सहित 26 लोगों पर अवैध खनन का ये जो मामला था ये आरोप जो है दर्ज किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अब आप कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन मूड में आ चुके हैं, वो इस पर अपनी बचाव करते नजर आ रहे हैं, सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना पल्ला इस पूरे मामले से झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुआ था तो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर भी ऐसे ही अटैक हुए थे। उन्होंने कहा कि उसी पैटर्न में पंजाब में ईडी की तरफ से भी इसी तरीके की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये परेशानी दे रहे हैं, हर तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मंत्री पर नहीं, मुख्यमंत्री पर नहीं, कांग्रेस के जितने भी नेता है, जितने भी कार्यकर्ता है, सभी पर ईडी के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र के लिए अच्छा माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आ गए हैं तो इनको ईडी की रेड की याद आ गई है और इसी वजह से ईडी की रेड लगातार देखने के लिए मिल रही है, लेकिन हम इन सब से दबने वाले नहीं हैं, हम इसे झेलने के लिए तैयार हैं, परेशानी जितनी भी देंगे उतनी परेशानियां हम झेलने के लिए सजग हैं, हमने अपनी चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईडी बेवजह की छापेमारी कर रही है या फिर ईडी बीजेपी के कहने पर छापेमारी कर रही है, तो ऐसे में जो पैसे बरामद हो रहे हैं उसका ब्यौरा उनके पास होना चाहिए। ऐसे में जो 10 करोड़ से ज्यादा पैसे बरामद हो रहे हैं, कैश बरामद हो रहा है, इतने कैश का क्या काम हो सकता है कि घर में आवास में 4 करोड़, 2 करोड़ इस तरीके से कैश का डिवीजन किया हुआ है और इस तरीके से कैश बरामद कर रहे हैं, तो जब कोई बात ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो इसको लेकर सफाई किस बात की दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और इस बात को लेकर डर किस बात का है उनके अंदर चरणजीत सिंह चन्नी के अंदर, और ये कह रहे हैं कि इसी तरीके का पैटर्न आजमाया जाता है तो जो 10 करोड़ रुपए निकल कर आए हैं वो कहां से आए हैं, इसका भी जवाब चरणजीत सिंह चन्नी के जो और जो सहयोगी है उन्हें देना पड़ेगा। और इसे ही लेकर चरणजीत सिंह चन्नी जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं कि कहीं उनकी पोल भी इस पूरे मामले में खुल ना जाए, कहीं पंजाब कांग्रेस की पोल इस पूरे मामले में खुलती नजर ना आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पीएम मोदी की सुरक्षा का उल्लंघन की घटना का ये प्रतिशोध हो सकती है, यानी ये बात उन्हें कहीं से सुनने के लिए मिली है कि ईडी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है वो छापेमारी एक रिवेंज जो है प्रतिशोध का कारण है और यही वजह है कि लगातार उनके भतीजों को इंट्रोगेट किया जा रहा है 24 घंटे से। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अब छापेमारी ईडी कर रही है इसने राजनीतिक तूफान भूचाल लेकर आ गई है पंजाब कांग्रेस में, पंजाब की सियासत में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है और इसका जो फायदा है ये काफी और जो पार्टी है वो भी लेते आ रही है, क्योंकि इस मैदान में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस पर धावा बोलती नजर आ रही है, क्योंकि वो यहां पर अपने लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ईडी ने छापेमारी शुरू की और जैसे ही नोटों की बरामदी होने लगी, इसी के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर जो है तंज कसा और उन्होंने कहा कि पंजाब के करीबी लोग, सीएम के करीबी लोगों के यहां से बालू खनन के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं सीएम के, यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनके करीबी लोग रेत बालू माफिया से जो है उनके कनेक्शन है और बालू रेत खनन से जुड़े हुए हैं, यानी साफ तौर पर अब किसी भी एक मुद्दे को लेकर राजनीति जो है काफी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और खासकर एक ऐसे वक्त में जो आने वाले कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सत्ता वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस है पंजाब में और वही सत्ता वाले पार्टी के मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर इस तरीके से ईडी धावा बोलती नजर आ रही है और लगातार वहां से कैश बरामद किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, अब आंकड़ा जो है 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 10 करोड़ पहुंच चुका है और आने वाले वक्त में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़े थमने वाले नहीं है बल्कि ये आंकड़े जो है और बढ़ने वाले हैं और लगातार ये आंकड़े बढ़ते नजर आएंगे, यानी आने वाले दिनों में ये आंकड़े डबल भी हो सकते हैं। अब जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, जिस तरीके से कार्रवाई जारी है, आने वाले वक्त का अनुमान तो यही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ और कहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी और कुछ बचाव में क्या कहते हैं और साथ जिस तरीके से उनके भतीजों का इंट्रोगेशन किया जा रहा है, उनके भतीजे से पूछताछ जारी है, इस पूछताछ में भी क्या कुछ निकल कर आता है ये भी वक्त के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन उस छापेमारी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।